नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी पोस्ट लैसिक प्रिकॉशंस क्या लेनी होती हैं। जी हाँ, लैसिक एक बहुत कॉमनली डन आई प्रोसीजर है ग्लासेस रिमूवल का, और सेफ है इसलिए सब लोग बहुत आराम से करवा रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में होता है, अरे लैसिक करा के मुझे कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु कम फॉर लैसिक आर द वर्किंग पीपल, जो हमारी जनरेशन 21, 22, 23, 24 या स्टूडेंट्स होते हैं या काम कर रहे होते हैं, एंड दे वेरी एप्रिहेंसिव कि हमें कितना समय का ब्रेक लेना पड़ेगा। सो व्हाट आर द मेजर प्रिकॉशंस आफ्टर लैसिक? लैसिक इज अ सर्जरी। आपको कुछ चीजों का ध्यान तो रखना ही है ताकि आपकी आई पूरा का पूरा ढंग से रिकवर करे। पहली चीज, आई ड्रॉप्स बहुत रेगुलरली डालें, खासकर फर्स्ट वीक में जरूरी है कि जैसे भी डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे उस टाइम उस तरह से आई ड्रॉप जरूर डालनी है। सेकेंड, पानी का परहेज। आपको आंख में पानी नहीं जाने देना है फॉर अबाउट 10 to 15 days। गर्दन के नीचे नीचे नहा सकते हैं, बाल शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन आंख में शैम्पू साबुन या पानी नहीं जाए तो ठीक रहता है। थर्ड, आई को छूना रब करना बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि कॉर्निया के ऊपर हम लोग जो लैसिक करते हैं उसमें एक फ्लैप होता है, वो फ्लैप अपनी जगह पे जो फिक्स होता है चिपकता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। उस दौरान अगर आप आंख को बहुत जोर से मसल देंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि वो फ्लैप अपनी जगह से सेपरेट आउट हो जाए या हिल जाए या उसमें फोल्ड आ जाए। सो इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू रब योर आई विगरसली, स्पेशली इन द फर्स्ट 15 days। पहले 3 दिन तो कोशिश करें कि जब आंख को रब भी कर रहे हैं तो बहुत ऊपर ऊपर से रब करें, उसको ज्यादा छेड़े नहीं। फीमेल्स के लिए हम बताते हैं कि कुछ थ्रेडिंग फेशियल अवॉइड करेंगे फॉर अबाउट 1 month। जिम अवॉइड करना है 1 महीने के लिए। वाटर एक्टिविटीज, वाटर स्पोर्ट्स अवॉइड करनी है फॉर एटलीस्ट 3 months। क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर पे काम शुरू कर सकते हैं आप पहले हफ्ते में, अगर आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन हाँ, प्रोलॉन्ग वर्क नहीं स्टार्ट करें। स्टार्ट स्लोली एज योर आईज टेक इट। 30 दिन के बाद आपको दिखाई सब ठीक दे रहा होगा, ऑल्दो थोड़ा ड्राइनेस का दिक्कत रहता है, लेकिन आप कंप्यूटर पे काम धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। ड्राइविंग 1 week के बाद जनरली ड्राइविंग सेफ होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट स्टिल इफ यू आर फोटो सेंसिटिव या लाइट से आपको परेशानी हो रही है पहले हफ्ते में, तो कुछ समय उसको और लेट कर सकते हैं। एज अ रूल बाय 1 week जनरली एवरीबॉडी इज फिट टू ड्राइव। आउटडोर एक्टिविटीज में, खासकर अगर आप धूल मिट्टी वाले एरिया में जा रहे हैं या आप एक आउटडोर वर्कर हैं, तो कोशिश करें कि डार्क ग्लासेस लगा के रखें, प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा के रखें, फॉर द सेम रीजन कि आंख के अंदर कुछ धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए है। एकदम से कुछ जाएगा आंख के अंदर, एक तो इन्फेक्शन का रिस्क, ऊपर से हमारा इमीडिएट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है आई को रब कर दो या उस पर पानी डाल दो। सो अवॉइड गोइंग आउटसाइड इन द फर्स्ट 3-4 days, एंड इफ यू आर गोइंग देन वेयर डार्क ग्लासेस फॉर एटलीस्ट 2 weeks टाइम। मोर और लेस लैसिक इज अ सेफ सर्जरी, द रिकवरी इज क्विक एंड फास्ट। थोड़ी प्रिकॉशन रखेंगे तो आपका रिकवरी पीरियड सेफ रहेगा एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। कोई क्वेश्चंस हो आपकी तो जरूर हमें मैसेज करें। टेक केयर।